नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना अंडे का आमलेट, जो खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा अंडे की तरह ही और बहुत ही हेल्दी है। इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, आप भी खाकर देखिएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 चम्मच इस तरह से बेसन, 1 चम्मच सूजी जो इसी में डाल देंगे हम, 1 प्याज के मोटे मोटे टुकड़े काट लिए हैं, और मैंने ये 3 थोड़ा लंबे तरीके का आलू लिया है। बेसन में हम कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चुटकी हींग डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी। बस इसी में पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। प्याज का हमने एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है, और ये मैंने 1 प्याज का बना लिया है, और अब इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल बना लेंगे, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। ये देखिए, घोल हमें इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए, और इसे 10 मिनट के लिए रख दें, जिससे सूजी फूल सके और बेसन भी सेट हो सके। जब तक हमारा बेसन सेट होता है, तब तक हम आलूओं को, ये हमने उबले हुए आलू छील कर लिए हैं, इसको लंबाई में ही काटें। अब हम आलू पर नमक कोट कर देंगे। पेस्ट हमारा रेडी है, थोड़ा गाढ़ा हो गया है। बनाते बनाते अगर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो आप पानी मिक्स करें और नमक भी थोड़ा चुटके भर डालते रहें, इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। पैन को गरम करें और छोटी चम्मच 3-4 तेल डालें। मैंने मूंगफली का तेल लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, घी, मक्खन। बहुत कम तेल में बनता है ये। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम आलू को रख देंगे। ये हमने यहाँ 4 पीस लगा दिए हैं, और इसके ऊपर इस तरह से 1-1 चम्मच घोल का डाल देंगे, और ढक्कन लगाकर 1 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, बिना घी के भी आप बना सकते हैं, सिर्फ इस पे ऑयल लगा लें और फिर इसको डालें। देखिए किस तरह से अच्छे से फूल गए हैं, और अब इनको पलट देते हैं। और ढक्कन लगा देते हैं, गैस सिम पे रखें। बिना अंडे के आमलेट रेडी हैं, अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और ये बहुत ही जल्दी बनते हैं, और कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी और भी रेसिपी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी दे दिए हैं। कल फिर मिलते हैं रात को 10 बजे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।